गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कोरंगा ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग, होप करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं लेके आ गई हूँ कुकिंग रेसिपी आप लोगों के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने स्टाइल में पास्ता कैसे बनाती हूँ। सो गाइज बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम पास्ता के लिए ले लेंगे सबसे पहले दो प्याज और दो गाजर, मैंने दो मिर्ची ले ली है, दो शिमला मिर्ची ले ली है, मेरी कटिंग भी हो चुकी है। अब हम जाते हैं किचन की तरफ और पानी बॉईल होने को रखते हैं। मैंने पतीले में ये पानी रख दिया बॉईल के लिए, तो हल्का सा बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पास्ता। मेरा पानी बॉईल हो गया था तो मैंने इसमें पास्ता डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे ताकि ये चिपके ना, और सेकंड हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। मैंने ये कढ़ाई ले ली है, अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। हमने ऑयल डाल दिया है ये। सो हमारा तेल हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, हमने प्याज डाल दिया है इसमें, हम प्याज को होने देंगे। मिर्ची भी मैंने साथ में डाल दी है इसमें, आप चाहे तो प्याज के बाद मिर्ची डाल सकते हैं। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसी स्टेज तक फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर, तो हमने इसमें डाल दिया गाजर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। गाजर डालने के बाद हम इसमें डालते हैं शिमला मिर्ची। अब इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी हमने उसमें डाली थी और नमक भी डाला था, तो हल्का सा हल्दी और ऐड कर लेंगे इसमें। और नियान भी बहुत परेशान कर रहा है, किचन में घुस गया साथ ही। और अब हम इसमें करेंगे सॉस, है टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है ये भी। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, ये सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये ऐसा हो गया हमारा, ये सारी चीजें डालने के बाद। अब हम इसको ढक्कन लगा के 2 या 3 मिनट तक छोड़ देंगे।
गाइज मेरा पास्ता तो बहुत ही अच्छा बना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं किरण मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय गाइज, टेक केयर।